जाएगी और बहुत सारे
पहली आयत का पहला लफ्ज अमन का है, अल्लाह की तरफ से हुक्म का है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। इस पूरी लाइन में अल्लाह का जाती नाम और उसके दो सिफाती नाम लाए गए। हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए हमको ये सिखाया, हर अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। आगे सूरत शुरू होती है, उस सूरत के शुरू की पांच आयतें, उन पांच आयतों में पांच वही की पहली आयत है। आप और गौर करें अल्लाह के नजदीक उसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी। इसलिए पहला हुक्म अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर वो नजर फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, किताब पढ़ने का हुक्म दिया, इल्म सीखने का हुक्म दिया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए। वो रब कैसा है? अल्लज़ी खलक, जिस रब ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आदम को पैदा करने के बाद उनके खून से, उनके नुतफे से कयामत तक करोड़ों अरबों इंसान पैदा होते रहे। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इंसान को खून के एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। तो अल्लाह पढ़ने का भी हुक्म दे रहे हैं और उसके साथ अपनी कुदरत को जाहिर भी फरमा रहे हैं कि मेरी कुदरत है, मेरी ताकत है, अल्लाह को जात है जिसने खून के लोथड़े से इंसान के इतने बड़े जिस्म को बना दिया। फिर आगे फरमाया, इकरा रब्बुकल अकरम, दोबारा पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। पहले पढ़ने लिखने का हुक्म दे दिया था और अपनी सिफत तकलीफ को जाहिर फरमा दिया था, तो अब तो अल्लाह को ये फरमाना चाहिए, पढ़ो और पढ़ने के बाद नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना, रोजे रखना। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं पहले इल्म हासिल करो, इल्म आएगा ये सारे आमाल दुरुस्त होंगे, इल्म नहीं होगा ये सारे आमाल भी तुम्हारे दुरुस्त नहीं हो सकते। इकरा वरब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। करीम उस जात को कहा जाता है जो बगैर मांगे आता करती है। करीम उस जात को कहा जाता है जो बगैर मांगे, बगैर सवाल की अता करती है, उस जात को करीम कहा जाता है। इकरा वरब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इंसानों को इल्म सिखाया। और क्या सिखाया? अल्लमा इंसान मा लम यालम, इंसान को वो बातें सिखलाई जो बातें इंसान जानता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने सिर्फ दो नबियों के बारे में अल्लाह की तरफ से जो उनके ऊपर खास सिफत थी, सिर्फ दो नबियों की उन खास सिफात को और उस खास वही का आप हज़रात के सामने जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों से अफजल बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया, उसकी बुनियाद भी इल्म में। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली वही नाज़िल फरमाई,
قربانی دینے کو
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.